आप चाय पियेंगी? कितनी प्यारी है और संस्कारी भी। थैंक यू। इसे कुछ नहीं पता? अब राजवीर को भी नहीं पता, मतलब उसे पता है लेकिन वो जानता नहीं, और कुछ लोग को जो दिखता है वो देख नहीं पाते हैं। क्या? अच्छा समझ गए। कुछ नहीं बेटा, थैंक यू। दी को फोन कर लेती हूँ, क्या पता अभी फोन उठा ले मेरा, है ना? अच्छा हुआ तू आ गया। क्या हुआ मॉम, आप इतनी स्ट्रेस क्यों? तेरी बहन रो रही है, तेरे डैड बहुत गुस्से में और मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा हो गया ना शौर्य, हमारे हमने इतनी मेहनत से सब कुछ दी किया, सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा, सब खराब हो जाएगा शौर्य। मॉम 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 रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। आप क्या बोल रही हैं, क्या बोलना चाहती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप आराम से बोलिए और मुझे बताइए बात क्या है। तेरी बहन रो रही है डैड के सामने और डैड आप पे गुस्सा हो रहे हैं, और क्या? और मैंने उन्हें किसी लॉयर से बात करते हुए सुना। व्हाट व्हाट सॉरी, कहाँ जा रहे? डैड से फाइट नहीं करना। मॉम डैड से बात करके कोई फायदा भी है? जस्ट लेट मी हैंडल। कहाँ जा रहे शौर्य? देख थोड़े ठंडे दिमाग से सोच, कुछ जरूरत नहीं है मुंबई जाने की, गलती कर रहा है तू। और जो मेरी माँ के साथ हुआ वो क्या था? वो तो गलत से भी ज्यादा गलत है ना। अरे यार मैं मानती हूँ तेरी माँ के साथ गलत हुआ है, मैं कहाँ डिनाई कर रही हूँ, लेकिन ऐसे मुंबई जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, आज सृष्टि माँ की बहुत याद आ रही। काश वो यहाँ पर होती, माँ को ना उनकी बहुत जरूरत है, माँ को सहारे की बहुत जरूरत है। अगर सृष्टि माँ यहाँ पर होती तो वो माँ को संभाल लेती। एक वही तो है जो माँ का सहारा बन सकती है, उनके आंसू पोंछ सकती है। कितना मना किया माँ ने मुझे, कितना मना किया, मैंने उनकी एक नहीं सुनी। नहीं प्लीज, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, चल तू। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं दादी तू घबराना मत, मैं तेरे पीछे। काश मैं वहां पर जाता ही नहीं। कांस्टेबल, कांस्टेबल साहब, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर। हेलो कोई है? क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया राजवीर तूने? माँ इस वक्त बहुत दर्द में होगी, बहुत तकलीफ में होगी, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ। हे भगवान आप चमत्कार करते हैं, आप प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि सृष्टि माँ यहाँ पर आ जाए, इस शहर में आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। अंदर जो पेशेंट है उनका एक्सीडेंट हुआ है? जी डॉक्टर। ठीक है आप लोग यही रुकिए, हम संभालेंगे। सिस्टर क्या हुआ इनको? मैम इनका बहुत खून बह चुका है, एक्सीडेंट हुआ है। ओह नो, इनके सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट आई है। नर्स इनको स्ट्रिचेस लगाने पड़ेंगे, जल्दी से एनेस्थेशिया देना पड़ेगा, गेट रेडी सून। जी मैम अभी लाइए। सर सर मेरी बात सुनिए सर, सर क्या है, क्यों हल्ला मचा रखा है?
सर मैं कब से आपको आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सर मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, मुझे बस एक छोटा सा फ़ोन कॉल करना है सर। नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कोई भी फ़ोन ना करने दिया जाए, समझे? अरे फ़ोन तो छोड़ो, मैं तो तुम्हें इस लॉकअप से बाहर भी नहीं ले जा सकता। सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, ये फ़ोन कॉल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़। नहीं बोला ना? प्लीज़ सर मुझे मेरी माँ को कॉल करना है सर, एक छोटा सा फ़ोन कॉल प्लीज़। ठीक है ठीक, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ। सर सर बात मत कीजिए, उनसे आप परमिशन लेकर ही आ जाइए प्लीज़। हो जाएगा, मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब को कैसे मनाना है। तुम रुको मैं अभी बात करके आता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। लगता है इनका फोन रिंग हो रहा है। उठाओ देखो किसका। हेलो हेलो, आप कौन? हाँ आप कौन? अरे मैंने आपसे पहले पूछा आप कौन है, बताइए ना आप कौन है। मेरी दी का फोन है। एक्चुअली आपकी दी का एक्सीडेंट हो गया है। सिटी हॉस्पिटल में आप जल्दी आ जाओ। मैं अभी आ रही हूं। क्या हुआ सृष्टि जी? दी का एक्सीडेंट हो गया। वो सिटी हॉस्पिटल में। चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। गाड़ी है अपने पास? कार तो नहीं पर बाइक है। तो हम चार कैसे जाएंगे? नहीं आप दोनों ही चले जाइए, हम आते हैं। मोहित जा जल्दी बाइक की चाबी, जल्दी गाड़ी की चाबी लेकर आ। मैं इसके साथ जाती हूँ। हाँ हाँ अरे चल जल्दी आ। हाँ हाँ हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है। समझ में नहीं आ रहा इस लेडी की प्रॉब्लम क्या है। बेहोशी में भी ये किसी के बारे में सोच रही है, परेशानी क्या है इसे? ये तो बेहोश है ना मैम। वही तो, जब हम किसी पेशेंट को एनेस्थेशिया देते हैं तो उनकी बॉडी काम कर रही होती है पर उनके इमोशंस काम नहीं करते। लेकिन इनका प्रॉब्लम है कि इनका दिल काफी अजीब तरीके से धड़क रहा है। मतलब बेहोश है पर इमोशंस अभी भी काम कर रहे हैं। लगता है ये किसी ऐसे के बारे में सोच रही है जो इनके काफी करीब है और उसके वजह से परेशान है। एनीवेज आप लोग इनका ख्याल रखिए, मैं इनके रिपोर्ट्स देखती हूँ। डॉक्टर आप कैसी हैं? बेहोश है मगर फिर भी किसी के बारे में सोच रही है, किसी ऐसे के बारे में जो उनके काफी करीब है। राजवीर यही नाम ले रही थी वो बार बार, बेहोशी में एक ही नाम राजवीर राजवीर। सर ने अलाउ कर दिया है लेकिन सिर्फ एक कॉल, उससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सिर्फ एक कॉल, टाइम मत लगाना ओके। थैंक यू। हाँ, वो एक्चुअली बारिश थी ना तो मैं अपने दोस्त के यहाँ पार्क करके आया हूँ। अरे तो खड़ा क्यों है, जा दौड़ के जा, भाग कर आ, जल्दी लेकर आ। अननोन नंबर से फोन आ रहा है। हेलो हेलो राजवीर, बेटा बेटा प्रीता दी कैसी है? सृष्टि मॉम तो कमशेदपुर में, सच बोलू भी तो कैसे बोलू। आई एम सॉरी, आपने मुझे कितना मना किया कि यहाँ पर नहीं आना है फिर भी मैं आ गया। मासी को लेकर मैं यहाँ पर आ गया। लूथरा से बदला लेगा ना मचाना, और इसीलिए मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन की ताकि शकरण लूथरा के करीब रहकर उनको बर्बाद कर सकूं। और देखिए ये बदले की आग मुझे कहाँ पर ले आई। 1 करोड़ की चोरी के इल्जाम में जेल में।
क्या मिला मुझे, क्या पाया क्या खोया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब राजवीर को प्रीता दी के बारे में कुछ नहीं पता, और अभी मैं इसे बताऊंगी भी नहीं। तू है ना, स्ट्रेस मत ले, मैं अभी आ रही हूँ। अभी आई मतलब? मतलब आप क्या पर है, मुंबई में? ऑफ कोर्स मैं मुंबई में हूँ, माँ हूँ मैं तेरी। अरे बच्चे को एक खरोच भी आती है ना तो माँ को एहसास हो जाता है, बिना देखे सब कुछ दिख जाता है कि उसका बच्चा कितनी बड़ी मुसीबत में है। राजवीर, भले मैंने तुझे जन्म नहीं दिया लेकिन माँ तो हूँ ना मैं तेरी। बेटा तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ, तो रुक, मैं अभी आई तेरे पास। हाँ चले। हाँ चल चल चल, हाँ चल जल्दी चल। हाँ हाँ केडी, केडी शौर्य क्या हुआ? आप बताओ क्या हुआ, क्यों कर रही हो ऐसा? राजवीर की साइड ले रही हो, वो भी मेरे अगेंस्ट जाके? आर यू सीरियस? आपको पता है ना राजवीर की साइड लेना इज इक्वल टू मेरे अगेंस्ट खड़ा होना। आप एक बात बताओ, कैसा लगेगा अगर आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो? मुझे नहीं पसंद कि मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो। प्लीज ये सब मत करो, बंद करो ये सब, और ये बेचारी होने का ड्रामा ना बंद करो। हाँ मैं क्या कह रहा हूं, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। मेरे पीठ पीछे जाकर मुझे बैक स्टैप करोगे, मेरे सामने आकर आंसू बहाओगे, क्या लगा आपके आंसू देख के मैं मेल्ट हो जाऊंगा? सॉरी ये मुझ पर वर्क नहीं करता, मुझे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मेरे साथ अभी के अभी डैड को बोलो कि आप राजवीर को जेल से नहीं निकालना चाहते, आपका भाई मैं हूं वो राजवीर नहीं। चलो अभी के अभी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे या किसी और के कहने पे वो नहीं करूंगी जो मुझे नहीं करना है। तो क्या करना चाहते हो आप, बताओ मुझे, आपने डैड को क्या कहा? हां बोलो ना, आपने डैड को क्या कहा, वो आपके लिए इतने सपोर्टिव क्यों हो रहे हैं? देखो शौर्य, तुम अभी गुस्से में हो, अभी तुम समझोगे नहीं कुछ भी, प्लीज बाद में बात करेंगे। अभी तुम केडी प्लीज, ये सेल्फिशनेस मेरे अगेंस्ट तो यूज ही मत करना। शौर्य मैंने कहा ना तुम गुस्से में हो, तुम कुछ नहीं समझोगे, जाओ यहां से। वाह ये सही है, आप लोग कर कैसे लेते हो ये सब? हां पहले मेरे पीठ पीछे जाके बुरा करो, फिर मेरे सामने आके रोने का नाटक करो। शौर्य शौर्य, ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? तो आपको भी क्या जरूरत है लॉयर को फोन करने की? मैंने कहा ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? ओके सॉरी। आपको भी नहीं करना चाहिए ना लॉयर को फोन, प्लीज। मैंने अभी सॉरी बोल दिया है, आप लॉयर को फोन नहीं करेंगे, स्पेशली नॉट फॉर राजवीर डैड। दिल से सॉरी बोलो पहले। पापा प्लीज इट्स ओके। सॉरी बोल तो दिया डैड, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट। शौर्य पापा आप जाने दो इसे, आपको तो पता यही कैसा है, और वैसे भी आप क्यों हम भाई बहन को कुछ कह रहे हो? आपको जो करने के लिए कहा था वो तो किया नहीं आपने, और पता नहीं ये शौर्य को ये गलतफहमी क्यों हो गई है कि आप राजवीर के लिए कुछ कर रहे हो, कोई लॉयर बुला रहे हो उसके लिए, पता नहीं क्या कह रहा। गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने सच में लॉयर को फोन किया था। सच में? हाँ लॉयर को फोन किया था मैंने, लेकिन बाद में फोन करके उसे मना कर दिया कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ अचानक हो गया कि मुझे सोचने का वक्त नहीं। देखो तुम बच्चे, तुम गलती कर सकते, लेकिन मैं गलती नहीं कर सकता, इसलिए मैं जो भी करूंगा सोच समझ के करूंगा। काम करो, तुम थोड़ा आराम कर, वैसे भी आज का दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा। ओके गुड नाइट। मम्मा काश आज यहाँ पर होते आप, तो आप मुझे समझते, और मुझे पता है अगर आप यहाँ पर होते ना तो आप भी राजवीर को सपोर्ट करते, उसे प्यार करते। राजवीर है ही ऐसा ना सा लगता है, और अगर आप यहाँ पर होते तो आप मेरी बात समझते। यहाँ तो कोई भी मुझे नहीं समझता, और कोई राजवीर को भी नहीं समझता। आई मिस यू मम्मा। मोहित पहले
हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे ज्यादा सवाल मत कर, मेरी गलती है। मुझे दी और राजवीर को मुंबई अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। ये लोग भी ना, कोई भी कुछ भी कर ले इन लोगों को, ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, दोनों सीधे जो हैं। हाँ वो तो है, लेकिन आप बहुत तेज हो। आगे देख के बाइक चला ना। आप बहुत तेज हो, तुझे पता नहीं बेटा मैं कौन हूँ, तू बाइक चला। ठीक है, संभाल के। थैंक यू सो मच, तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। काव्या ने मुझे भाई कहा तो काव्या मेरी बहन है, और भाई बहन का रिश्ता ऐसे ही होता है। आई मीन, बहन अगर तकलीफ में हो तो भाई बिन बुलाए आ जाए और बहन की मदद करे। I'm so sorry, राजवीर भाई, अपने भाई होने के सब फर्ज निभाए, रोके में कितनी मदद की, लेकिन मैं बहन होने के फर्ज नहीं निभा पा रही, आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही, नहीं बचा पा रही आपको। आपने मुझे अपनी बहन माना था, पर मैं अपने फर्ज नहीं निभा पाई, नहीं बचा पा रही आपको, मैं क्या करूं? I'm so sorry. चोर है? Yes, Dad. मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी काव्या के रूम में वापस जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे और राजवीर के बीच जो भी लड़ाई है वो तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफहमी की वजह से। यार इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम दोनों अलग अलग पेज पर। तुम काव्या से इसलिए अपसेट हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि काव्या राजवीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, और काव्या तुमसे इसलिए अपसेट है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि राजवीर और तुम्हारे बीच में जो भी लड़ाई है वो तुम्हारे पास की कड़वाहट की वजह से है। देखो बात तुम दोनों की नहीं है, बात चोरी की है। कौन सही है कौन गलत है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी गलतफहमी की वजह से आपस में तो मत झगड़ो ना। डैड आप हमेशा में पापा ये रॉन्ग है, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि, और दिल से कह रही हूँ कि राजवीर गलत नहीं हो सकता, वो इनोसेंट है, बस इतना कह रही हूँ मैं आप लोगों से। आप में से किसी से कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। काव्या एरी कहाँ जा रही हो? आ जाऊंगी थोड़ी देर। काव्या देख रहे हो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह बिहेव करने लगी है अब तो, अब ये भी मेरी गलती है? हाँ तुम्हारी ही गलती। हेलो जी, हेलो, मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ, कहाँ हैं आप? अरे आपके साथ कोई लड़का है क्या, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन रखा है? हाँ जी हाँ जी मेरे साथ है। हाँ हाँ दी हाय, मेरी दी कहाँ है, प्रीता दी कहाँ है? वो ICU में। अच्छा थैंक यू। अरे एक मिनट मैडम, वहां जाना अलाउड नहीं है। अरे एक मिनट मैडम रुको, वहां जाना अलाउड नहीं है। अरे एक मिनट, खोलिए ना, देखो कौन आया है। आपकी छोटी बहन आई है, सृष्टि आई है आपके लिए। अपनी आंखें खोलिए ना। ये क्या हो गया दी? गलती मेरी है, आपके इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मुझे आपको मुंबई नहीं भेजना चाहिए था राजवीर के साथ। मैं भी कैसे पागल हूँ, मैंने जिद पकड़ रखी थी ना कि मुझे नहीं जाना। अगर मैं आपके साथ रहती तो
तो आज आपकी हालत नहीं होती थी। नहीं कुछ बोलो ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी गलती है, मुझे मारो, मुझे डांटना है तो डांट लो, बट प्लीज आगे बोलो। जब मैंने आपको फोन किया था मुझे पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप बहुत स्ट्रेस में थी, आप बहुत टेंशन में लग रही थी। आपने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? थी आप मुझसे बताते, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपसे और राजवीर दोनों से। आप दोनों ने मुझसे बहुत बातें छुपाई है। क्यों दी, क्यों छुपाया आपने मुझसे? हाँ देखो ना आपके कैसे हालत हो गई है। आगे बोलो ना, देखो ना सृष्टि आई है। राजवीर, राजवीर, हाँ दी, राजवीर, राजवीर अरेस्ट हो गया, उसे चोरी के इल्जाम में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन लूथराज, उन लूथराज को राजवीर के सच के बारे में पता चल गया। हाँ दी, उनको उनको पता चल गया कि आपके बारे में और राजवीर के बारे में हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। मुझे मुझे नहीं, अगर अगर उन लोगों को राजवीर के सच के बारे में पता चल जाता तो वो लोग राजवीर पर ऐसा घिनौना इल्जाम नहीं लगाते और ना ही उसको अरेस्ट करवाते। तो फिर उनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? लूथराज है ना वो, उन्होंने राजवीर को एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना दी, अब मैं एक एक से बदला लूंगी। आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ मैं आ गई हूं ना, हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। मैं राजवीर को बचा लूंगी दी, मैं उसे जेल से बाहर निकलवाऊंगी, मैं उसे जेल से बाहर निकलवाऊंगी। अब अपने आगे तो बोलिए ना दी, मुझसे बात तो कीजिए दी। दी सुनिए ना, देखो ना, देखो ना मैं आई हूँ दी। देखिए अभी आप जाइए यहाँ से, इन्हें 3 घंटे से पहले होश नहीं आने वाला, प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए। अगर इन्हें डिस्टर्ब किया तो इनका ब्रेन गलत तरीके से रिएक्ट कर सकता है, प्लीज लेट हर रेस्ट। दिमाग पर असर हो सकता है।